नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 मई मंगलवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत भरी खबर आई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मंगलवार सुबह आई रिपोर्ट में 3,29,942 नए संक्रमितों की पहचान हुई, लेकिन 3,56,082 संक्रमित ठीक हो गए। 62 दिन बाद ऐसा हुआ जब नए मरीजों से ज्यादा मरीजों ने महामारी को मात दी। इससे पहले 9 मार्च को 17,873 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई थी और 20,643 लोग ठीक हुए थे। यह भी राहत की खबर है कि मंगलवार सुबह आई रिपोर्ट में मिले नए संक्रमितों की संख्या पिछले 15 दिन में सबसे कम है। इसके बाद देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 37,15,221 हो गई है। चूरू जिले के भालेरी थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां पानी लेने के लिए गए 4 बच्चों की जोहड़ में बनी डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने पर पीड़ितों के घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और बच्चों के शवों को बाहर निकलवाया। मृतक बच्चों की उम्र 8 से 15 साल के बीच की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक गाँव नहरावणसर के में सरकार की ओर से जोहड़ में पानी के लिए डिग्गी तैयार करवाई गई थी। परिवार के लोग पास में ढाणी बनाकर रहते हैं। दोपहर को परिवार के लोग खेतों में काम करने में व्यस्त थे। इस दौरान बच्चों को पानी लेने के लिए भेज दिया था। मृतकों में अंकित जाट, विकास जाट, प्रवीण जाट व जगदीश की मौत हो गई। जयपुर एयरपोर्ट पर आज भी सुबह करीब 9 फ्लाइट्स रद्द रही। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 5:55 स्पाइसजेट की अमृतसर की फ्लाइट SG3759, सुबह 6:40 की इंडिगो बेंगलुरु की फ्लाइट 6E839, सुबह 6:50 की स्पाइसजेट सूरत की फ्लाइट SG2773, सुबह 7:15 इंडिगो अहमदाबाद की फ्लाइट 6E644, सुबह 8:00 स्पाइसजेट मुंबई की फ्लाइट SG279, सुबह 8:10 के गो एयर मुंबई की फ्लाइट GR389, सुबह 8:50 के गो एयर अहमदाबाद की फ्लाइट GR701, सुबह 9:00 स्पाइसजेट अहमदाबाद की फ्लाइट SG2948, सुबह 9:40 की एयर एशिया मुंबई की फ्लाइट I5942 रद्द रही। जोधपुर जिले के रातानाड़ा थाना क्षेत्र के खांचियों का बाड़ा पाबूपुरा में कार की सीट पर रखा लाखों रुपए से भरा बैग कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर फरार हो गया। पीड़ित राहुल ने थाना में अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने रिपोर्ट दी है कि उसकी कार की सीट पर बैग में 3,67,000 रुपए रखे थे जो कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जल्द ही उत्तर प्रदेश की जेलों से 8 सप्ताह की पैरोल पर कैदियों को रिहा किया जाएगा। पहले चरण में उनको रिहा किया जाएगा जिन्हें पिछले साल रिहा किया गया था और वे पैरोल का पालन करते हुए वापस समय से जेल में दाखिल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शासन स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। DG जेल आनंद कुमार ने बताया कि जेलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले ही इसकी तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है तो उसका पालन करना ही है। जिन लोगों को पिछले साल छोड़ा गया था उन्हें इस बार भी छोड़ने के निर्देश न्यायालय ने दिए हैं। शासन और जेल प्रशासन मिलकर इसकी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। पिछले साल कम गंभीर अपराध वाले 14,000 कैदियों को पैरोल दी गई थी। माना जा रहा है कि 10,000 से अधिक कैदियों को इस बार भी पैरोल दी जाएगी। अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना ने जानलेवा रूप ले लिया है। जिले में महज 24 घंटे के भीतर रामगढ़ के 2 सगे भाइयों की बीमारी से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बिलासपुर गांव निवासी वेब व ग्राफिक डिजाइनर 2 सगे भाइयों की महज 30 मिनट के अंतराल में जान चली गई। मृतकों के भांजे सरप्रीत सिंह ने बताया कि उसके दोनों मामा 42 वर्षीय हरनेक सिंह और 38 वर्षीय सुभेक सिंह दिल्ली में वेब एवं ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम करते थे। लॉकडाउन के बाद गाँव आ गए। गत 15 अप्रैल को दोनों को बुखार की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। लगातार हालत बिगड़ती रही और रात को दोनों की आधे घंटे के अंतराल में मौत हो गई। दोनों भाइयों की एक एक बेटी है। एक साथ दोनों पुत्रों को खोने के बाद परिवार सदमे में है। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं के वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में पहली बार 30 जिलों में वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जाएगा। सोमवार को प्रदेश में एक ही दिन में 1,08,065 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। 12 झालावाड़ और करौली को छोड़कर सभी जिलों में कैंप लगाए गए। प्रदेश में अब तक 18 से 44 साल के 4,21,887 लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं।
चिकित्सा विभाग ने कोविड मरीजों और परिजनों का दर्द समझते हुए मरीज का अकेलापन दूर करने के लिए अटेंडेंट को मरीज की देखभाल की अनुमति दी है। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोविड सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अटेंडेंट मरीज के साथ रह सकेगा। मरीज के डिस्चार्ज होने पर अटेंडेंट का भी कोरोना टेस्ट जरूरी होगा। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।